छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री धाम को नशा मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए स्वयं ही सड़क पर उतर गए। वे हाईवे से धाम जाने वाले रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने टैक्सी चालकों को ओवरलोड और नशा करके गाड़ी नहीं चलाने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि अब बागेश्वर धाम में बिना हेलमेट और बगैर लाइसेंस एंट्री भी नहीं दी जाएगी। सिद्ध क्षेत्र में शराबखोरी रोकने एवं शराब सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी निगरानी का दायित्व बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के अलावा ग्राम पंचायत द्वारा गठित की गई ग्राम रक्षा समिति को दी गई है। लगभग बागेश्वर धाम पर 1000 ऑटो संचालक, ई रिक्शा संचालक, कार्स, बस लाने वाले लोग, बागेश्वर धाम पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, अव्यवस्थाएं होती हैं, मदरा पीकर चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं और अत्यधिक किराया वसूली करते हैं। मन हमारा बहुत आहत होता, आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय, SDOP सब लोग थे, उनके साथ मिल करके ग्राम पंचायत समिति गड़ार ने, जो बागेश्वर धाम का भी संचालन करती ग्राम पंचायत ने, और हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि वाहन ड्राइवर्स मदरापान करके नहीं चलाएंगे। आज विनती की, कल गिनती करेंगे, कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी एक भाई साहब पकड़े गए, हमने पूछा कहाँ से हो, चंद्रनगर से, क्या नाम है, रफीक नाम है, लाइसेंस है, अब मीडिया भी वहाँ से नहीं है, और 4 महीने से वो ई रिक्शा चला रहे हैं। ये कानून का उल्लंघन है, बागेश्वर धाम पे ये चलना नहीं जाए। हमने साहब को भी कहा है कि इनका चालान कटना चाहिए और भाई साहब को बंद होना चाहिए। क्या रफीक बंद होंगे अभी? अब कह नहीं सकते, वो प्रशासन, चालान तो कटेगा ही भाई साहब। चालान भी नहीं काटा गया उसको, तो अंदर जाने दिया गया। हम पता नहीं, अब उनका काम है, हम तो, हमने तो कहा आपके ही सामने, कहा मीडिया के सामने कहा। हाँ भाई, तो कृपा करके हमारा यही प्रार्थना है कि यातायात नियमों का पालन करें। बागेश्वर धाम पर नशा करके आने वाले लोगों के खिलाफ बागेश्वर धाम जन सेवा समिति ग्राम पंचायत गड़ा कठोर कार्रवाई करेगी। आपको पीना है, 5 किलोमीटर बाहर पिए, यहाँ पीने वालों को जीने नहीं दिया जाए। मुस्लिम टैक्सी चालक को आपने एक बड़ी हिदायत दी है ऑन कैमरा? नहीं, सबके लिए ऑन कैमरा, केवल उनके लिए। वो तो फंस गए भाई साहब जबरदस्ती में, अनप्लांटेड फंस गए। अगर वो प्लांटेड होते तो बात अलग थी, वो अनप्लांटेड फंस गए भाई साहब। क्या कहा था? हमने यही कहा कि भाई साहब अब अभी तो रख दो तुम ई रिक्शा। इनका साहब से बगल में खड़े थे ट्रैफिक अधिकारी, हमने इनका चालान काटो, हमने कहा पहले लाइसेंस बनवाओ। हमने उनके बंद की नहीं, रोजी रोटी पर हमें लात नहीं मारनी, किसी की भी रोजी रोटी पे हमें लात नहीं मारनी, हमारा किसी भी मजहब से बुराई नहीं, लेकिन आप कानून का भी उल्लंघन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। पहले गिनती करें, पहले विनती करेंगे, फिर गिनती करेंगे, बाकी समझदार। अगर चालक जो है दारू पीकर गाड़ी ड्राइविंग करते हुए पाया जाता है या उसमें सवारियां पाई जाती हैं, तो क्या उसकी उचित कार्रवाई परिवहन कार्यालय से सूचित करके उनके लाइसेंस रद्द कराए जाएंगे? निश्चित ही कराए जाएंगे, और जो भी पीकर के चला रहे हैं तो उनको ऑन द स्पॉट चेक करने के लिए ब्रीथ एनालाइजर की भी व्यवस्था है। हमारी टीम यहाँ जो चेकिंग करती है मुख्य रूप से मंगलवार के बाद, उसमें वो ये भी चेक करती है ऑन द स्पॉट, उसमें चालान भी बनाया जा सकता है, और उसमें यदि शराब पीकर के चला रहे हैं तो उनको लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए भी भेजा जाए।